51 शक्तिपीठों में से एक उज्जैन के माता हरसिद्धि मंदिर में स्थित 51 फीट ऊंचे दिव्य स्तंभ में गुरुवार को अचानक आग लग गई। इस दिव्य स्तंभ के एक दर्जन से अधिक दीप खंडित हो गए। मंदिर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी के हालात बन गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया। मंदिर के पंडित राजेश गोस्वामी ने बताया कि दोपहर 1 बजे साउथ साई कुछ महिला श्रद्धालुओं ने 108 दीप प्रज्वलित कर दीप स्तंभ के पास रख दिए। इन्हीं दीपक की वजह से 2 स्तंभ में से एक ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग बढ़ती गई। 51 फीट ऊंचे दिव्य स्तंभ के निचले हिस्से की आग तो मंदिर कर्मचारियों ने बुझा दी, लेकिन ऊपर के हिस्से में लगी आग पर काबू नहीं पा सके थे। पंडित गोस्वामी ने बताया कि 1 दर्जन से ज़्यादा दीपक टूट गए हैं, जिन्हें बनाने के लिए राजस्थान से कारीगरों को बुलाया है। अब तक दिव्य स्तंभ दोबारा बन नहीं जाता, तब तक प्रतीकात्मक रूप से स्तंभ के नीचे के दीप जलाए जाएंगे। मंदिर में स्थापित 51 फीट ऊंचे 1011 दीपों के 2 दीप स्तंभ हैं। इनमें से 1 स्तंभ में आग लगी। हरसिद्धि मंदिर में मौजूद दोनों स्तंभ अति प्राचीन हैं। मान्यता है कि इन्हें राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। उस जमाने से इनमें दीपक जलते आ रहे हैं। आज भी इन दीप स्तंभों को रोशन करने के लिए 3-3 महीने की वेटिंग चलती है। पहले इन्हें त्यौहार नवरात्र में ही जलाया जाता था, अब ये साल भर रोशन रहते हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।